दोस्त, मैं आपका दोस्त सभाजीत, और सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ चुकी है कि छत्तीसगढ़ में सोमवार से लागू हो गई पुरानी पेंशन योजना। मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने इसका जो बजट है वो पास किया था, और उसी के दौरान पुरानी पेंशन योजना लगाने की बात की गई थी। अप्रैल से भविष्य निधि में मूल वेतन का 12% राशि कटौती करने का भी निर्देश दे दिया गया है। साथ ही इससे अनेकों जो कर्मचारी हैं वो लाभवत होंगे। लगभग 3 लाख से अधिक कर्मचारी जो हैं इससे लाभ प्राप्त करेंगे, और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है हमारे छत्तीसगढ़ के हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए। आखिर कब तक केंद्र सरकार में केंद्र कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश जैसे अन्य बिहार जैसे राज्यों में कब तक पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, जहां पे भाजपा की ही शासन है और भाजपा को अपना पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहिए, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में ही पुरानी पेंशन हटाओ की मांग हुई थी, और उसी समय से ये मांग लागू हो गई। और आज पूरे देश में कहीं ना कहीं आज फिर दोबारा भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, बिहार में भाजपा सरकार है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी भाजपा सरकार है। इन सभी राज्यों में जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना लगनी चाहिए, ताकि जो भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको इससे का लाभ मिल सके। 12% उनका भी राशि जल्दी से जल्दी कटे और उनके भी आने वाला जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके, ताकि बुढ़ापे का सहारा उनका अच्छे से उनकी पेंशन योजना बन सके, या समय के अनुसार यदि वो न रहें तो उनके जो वाइफ हैं उनके लिए पेंशन योजना एक सहायक साबित हो सके। उनके जो बाल बच्चे हैं, चाहे उनका परवरिश करें या ना करें, कम से कम पेंशन योजना जो होगी वो उनके जीवन को परवरिश करेगी, और उसके सहारे वो अपने पूरी जीवन जी सकेंगे। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए। जय हिंद।